नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मांग की। जी हां, बरेली भारतीय राष्ट्रवादी दल ने अमित राठौर के नेतृत्व में कलेक्टर पर ज्ञापन दिया। मांग की कि भारतीय जवानों पर पुलवामा में हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के 44 जवानों की तत्काल शहीद होने की पुष्टि हुई थी तथा अन्य बहुत से जवान घायल हुए थे, लेकिन पुलवामा के सेना के सुरक्षित रास्ते पर आतंकी किस प्रकार से घुसने में सफल रहे और उनकी सहायता करने वाले कौन कौन लोग थे, इसकी आज तक जांच में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। भारतीय राष्ट्रवादी दल ज्ञापन के माध्यम से मांग करता है कि पुलवामा हमले में मारे गए शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाए। पुलवामा हमले में आतंकियों का सहयोग करने वालों के नाम उजागर करके उनके विरुद्ध देशद्रोही की धारा में कार्रवाई की जाए। पुलवामा हमले में सहयोग करने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान से संबंध विच्छेद कर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कराने हेतु तत्काल कदम उठाए जाए। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मैं अमित राठौर, भारतीय राष्ट्रवादी दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पिछले वर्ष जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 45 जवान शहीद हुए थे, उस बात को लेकर के आज हम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग निम्न मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय जी से कि पुलवामा हमले में जिन लोगों ने सहयोग किया है आतंकवादियों को, उन लोगों पर नाम उजागर करके देशद्रोह का कानून के ऊपर कार्रवाई की जाए, एवं पुलवामा हमले में जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को 50-50 लाख की सहायता राशि दी जाए, एवं पाकिस्तानी जो देश है आतंकवादी देश, उसको संयुक्त राष्ट्र में मांग करके पाकिस्तानी देश घोषित करके उससे सभी संवेदन विच्छेदन कर लेनी चाहिए और उसको आतंकवादी देश घोषित करवाना चाहिए। यही मांग हम लोग करते हैं। आयोजित विशाल किसान गोष्ठी। जी हां, बिजनौर के थाना क्षेत्र नागल सोती के उत्तम सुगर मिल लिमिटेड बरकतपुर के कृषि फार्म पर आयोजित विशाल किसान गोष्ठी और सम्मान समारोह में गन्ना प्रजाति CEO 0238 के जनक डॉक्टर पच्छ नाम उत्तम मेल के प्रबंधक निदेशक श्री राजकुमार अदलखा तथा उप प्रबंधक निदेशक श्री नरपत सिंह तथा गन्ना आयुक्त श्री यशपाल सिंह द्वारा शॉल उड़ाकर बुके भेंट किया तथा कृषक गोष्ठी के द्वारा किसानों को भी सम्मान किया गया। बिजनौर से हमारे संवाददाता कुलदीप त्यागी की रिपोर्ट। और इस तरीके से यदि एक आँख का टुकड़ा काट के लगाएंगे तो क्वांटिटी, यदि आँख वाला हिस्सा ही वजन करे तो 2 क्विंटल के करीब आ सकता है। इसमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगा गन्ने का? गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पूरे फार्म पे घूम के देखिए तो गन्ने की जो टेंडरिंग है वो बढ़ गई है। इसमें क्या है कि पहले आमतौर पर जो गन्ना लगाते हैं उसमें 30-35 या ज्यादा से ज्यादा 40% जर्मिनेशन होता है, मतलब जितना भी आप बीज डालते हैं उसके 40% के बीच में जर्मिनेशन होता है, बाकी आके नहीं जाता है। तो उसके वेस्टेज बचाने के लिए अंदर टेक्निक है, जिसके अंदर 100% तक सर्वाइवल होगा। पौधा तैयार करके जब आप लगाएंगे खेत के अंदर तो उसके अंदर कोई भी गैप आपको नहीं मिलेगा। जैसे गन्ने का पौधा लगाने के बाद कुछ बीमारी आती, क्या उनसे भी कुछ इजाद मिलेगी? इसमें सारी जो भी बीमारी का गन्ना है वो लेबर देख सकती है, उसको गन्ने को निकाल देंगे। तो बीज का जो चुनाव है वो हो गया है, उसके बाद जैसे ही बीज कोई लगता है कि बीमारी आ गई तो उस गन्ने को बाहर निकाल के फेंक सकते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो भी गन्ने के बीज के द्वारा जो बीमारी फैलती है उससे इसका छुटकारा होता है। स्वस्थ पौधे का जर्मिनेशन होगा, वैसा नहीं होगा कि बीमारी से ग्रसित कोई भी पौधा कोई नहीं और खेत के अंदर गैप नहीं होगा। जब गैप नहीं होगा तो उसकी पैदावार अपने आप बढ़ेगी। कुछ नया दूरी से दूरी लगाने से गन्ने के अंदर जो मोटाव है टिंडरिंग वो बढ़ जाती है, तो पॉपुलेशन पूरी होगी, ऊपर से उसके अंदर टिंडरिंग होगी, तो वो जो अल्टीमेटली उसका जो पैदावार है पर एकड़ या पर हेक्टेयर जो पैदावार वो 1.5 गुना कम से कम हो जाएगी। डॉक्टर, मेरा कहना यह है कि इस समय जो है प्रोडक्शन के लिए किसानों किस तरीके से, क्या कॉस्टली पड़ेगी विधि या इजी पड़ेगी, आप थोड़ा सा उसमें बताइए। देखिए, कॉस्टली नहीं पड़ेगी, मतलब ये देखने में लगता है जैसे कॉस्टली पड़ेगी। आपका यहाँ रेट क्या है? 325 का रेट है जी। जी, 40 क्विंटल मान लीजिए, इतना मोटा गन्ने का 40 क्विंटल आपका बीज लगा जी, तो 16,000 के करीब बीज लग गया जी। अब ये 6,000 से 7,000 जो पौधा है एक एकड़ के अंदर लग जाएगा, तो 2-2.5 क्विंटल बीज के अंदर ही इसका पूरा हो जाएगा।
तो 30 क्विंटल का आपका सीधा सीधा लगा लीजिए, 5 क्विंटल भी लगा लीजिए, बचत हो गया। जैसे कि डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ कि लेबर काफी खर्च इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, क्या वो भी हमारे किसान भाई बचत में से कंपनसेट हो जाएगा ना? आपका 30 क्विंटल बीज बच गया, 300 से करिए तो 10,000 का, 10,000 रुपए का मोटा मोटा बीज बच गया है, वो जो 10,000 रुपए बचा है उतनी लेबर नहीं लगेगी इसमें। पौधा तैयार होने के बाद जैसे पानी, प्रोडक्शन, खाद, ये इन चीजों से भी क्या कुछ इसके कुछ ज्यादा होगा, कुछ साइड इफेक्ट नहीं? ज्यादा नहीं, जैसे साइड इफेक्ट होते हैं फसलों के? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं होगा, बल्कि इसको जैसे 2 फुट की दूरी पे एक पौधे से दूसरे पौधे के लगाते हैं तो ऐसे ऐसे भी डाल लेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब स्पॉट एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं उसको खाद डाल करेंगे, बजाय कि पूरा एक लाइन में डाल दिया तो पौधे के पास पास डाल लेंगे तो और ज्यादा उसमें फुटाव होगा, ज्यादा पैदावार होगी। ऐसा नहीं जैसे कि गन्ने का किसान भाई अलग अलग विधि से लगाते हैं, क्या उसमें नॉर्मल तरीके से जैसे परंपरागत तरीके से गन्ना बोया जाता उसी तरीके से लगा सकते हैं या कोई इस नई टेक्निक? नई टेक्निक ये है कि इसमें पौधा पहले तो आंख बीज का जो क्वांटिटी है वो कम होगी, मात्रा कम होगी, दूसरा पौध तैयार करके लगाया तो जो खेत के अंदर जो आप देखें नॉर्मल प्लांटिंग के अंदर खेत के अंदर करीब 2-2, 3-3 फुट का गैप मिलेगा, जो मैंने बताया ना 30-40% जमा होता है तो 60% या 50% कहाँ गया, वो खाली रहेगा खेत। इसके अंदर एक बार जब पौधा लगा देंगे तो मोर्टिलिटी नहीं होती, मरता नहीं है वो पौध, मरेगी नहीं, करीब करीब 99% वो सर्वाइव करती है, हार्डली 1% भी। इन जनरल देखने में आया है कि यदि गन्ने के अंदर चीनी को बढ़ाते हैं, चीनी की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उसकी पैदावार कम हो जाती है, और पैदावार को बढ़ाते हैं तो चीनी की मात्रा कम होती है, परंतु एक विशेष एफर्ट किए गए अलग से काफी स्टडी के बाद एक नया तरीका निकाला गया चुनाव करने का, जो पौध बीज से जो पौध तैयार होती है उसमें अलग चुनाव का तरीका अपनाया गया, उस नए चुनाव के तरीके से ये सभी वैरायटी CO018, CO028, CO039 ये सभी वैरायटी उस नए तरीके से निकाली है, उसके कारण दोनों चीजें बढ़ गई है, जो नेगेटिव एसोसिएशन था यील्ड और क्वालिटी का वो दूर करके दोनों को कंबाइंड हो गया है, तो इससे दोनों चीज बढ़ गई, इससे दोनों को फायदा है, किसान को भी फायदा है क्योंकि उसको पैदावार ज्यादा मिलने लगी, और चीनी मिल को भी फायदा है क्योंकि उस चीनी मिल की रिकवरी बढ़ी। सर डॉक्टर साहब जैसे कि किसान भाई 2 फसल के हिसाब से तैयार करते, एक अगेती एक पछेती, तो क्या ये किस वैरायटी में आता, अगेती में या पछेती में? अब ये अगेती प्रजाति है, अगेती प्रजाति, परंतु पहले की जो अगेती प्रजातियां होती थी वो फरवरी के बाद उसमें चीनी की मात्रा कम होने लगती थी, रिकवरी कम होती थी, इसलिए 2-3 तरह की वैरायटी लगती थी, सामान्य की लगती थी, परंतु ये एक इन वैरायटी की खासियत ये है कि लगातार ये बढ़ती रहती है, अप्रैल तक इसमें चीनी की मात्रा बढ़ती रहती है, इसलिए इसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा हो गया है, जो सामान्य की वैरायटी है उसकी किसानों को आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही चीनी मिलों को आवश्यकता। डॉक्टर मेरा क्वेश्चन है जैसे कि लास्ट में अप्रैल के मंथ में उनकी जो पत्तियां हैं वे सब डाउन हो जाती हैं, तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को आवश्यकता पड़ती है कि वो चारे की भी वो देखें, तो क्या उस समय चारे की उपलब्धता तो नहीं रहेगी? नहीं, जैसे 2-3 पत्तियां 3-4 पत्तियां तो हमेशा हरी रहती है, परंतु ये देखिए सारी चीजें तो नहीं मिलती ना, अप्रैल के अंदर आके अगेती प्रजाति को किसने सोचा था कि अप्रैल तक अगेती प्रजाति की कटाई होगी, अब अप्रैल के आखिर में आके तो नीचे की पत्तियां सूखने ही सूखनी होती है, तो परिस्थिति के अनुसार होता है, क्योंकि गन्ने का जैसा कि पेमेंट पर्ची नहीं जा रही और नई गन्ने का पूरा हो गया उसी के कारण से ऐसा कुछ हो पाता है, तो मजबूरी है जो अगेती प्रजाति कुछ किसान भाई फिर भी उसे पछेती प्रजाति की तरह ही काटते हैं, इसको यूज करते हैं। नहीं, अब क्या है कि जो पछेती प्रजातियों के कंपैरिजन में अगेती प्रजाति की जो पैदावार है वो पछेती से ज्यादा हो रही है, तो किसान को क्या चाहिए, पैदावार चाहिए, नहीं समय पर उसका जो मार्केटिंग हो जाए तो दिक्कत तो कुछ नहीं आएगी, लेकिन मार्केटिंग सही समय पर न होना है, जैसे पर्ची मार्केटिंग तो समस्या है, मार्केटिंग जब होती है जब उसका एरिया जो है सीमित हो, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से हर एक शुगर फैक्ट्री के अंदर 90% से ज्यादा CO028 का एरिया हो गया है, तो वो तो आखिर तक चलनी ही चलनी है, तो इसलिए क्योंकि बढ़ गया है, हम भी नहीं चाहते हैं कि एक प्रजाति का एरिया जो है इतना ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, एक 2 या 3 वैरायटी हमेशा हर एक चीनी मिल में होनी चाहिए, और हमारा इम्फेसिस यही है,
आज मैंने मिल्की फार्म पे दो फार्म है, दोनों जगह देखा है। उसमें CO0 118 जो बाकी जगह इतनी अच्छी नहीं है, परंतु मिल्की फार्म पे इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया है कि 238 से कम पैदावार में कम नहीं है। तो इसलिए किसानों को CO0 118 भी उसके साथ अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में जो 238 वैरायटी है, किसान अधिकतर किसानी से ही बो रहा है और इससे किसानों का भला भी हुआ है, आर्थिक उनकी मदद भी हुई है, क्योंकि पैदावार बढ़ेगी तो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। क्या इसका कोई विकल्प और है कि इससे भी बड़ी कोई वैरायटी हो, उसका आपने कोई ईजाद करने की सोच रखी हो? एक वैरायटी निकालने का काम लगातार चलता रहता है, ये नहीं है कि हमने 238 निकाली और बंद हो गया काम चलता रहता है। अब बहुत दिनों के बाद CO0 238 एक वैरायटी आई है, उससे अभी एक फिक्स हो गया, टारगेट फिक्स हो गया कि अगली उससे बेहतर आनी चाहिए, और वो भी दोनों चीज में बेहतर होनी चाहिए, पैदावार और रिकवरी में। तो उसके लिए थोड़े से दिन और इंतजार करना पड़ेगा, जरूर काम चल रहा है उस डायरेक्शन के अंदर। अभी हमारे पास जैसे ज्यादा चीनी की मात्रा की वैरायटी तो मिल रही है, परंतु पैदावार उसके लेवल की नहीं मिल रही। परंतु फिर भी मैं यही कहूंगा कि एक वैरायटी पे डिपेंडिंग नहीं होना चाहिए, किसानों को कम से कम दो वैरायटी रखनी। डॉक्टर साहब, आपने 238 के जनक माने जाते हैं, कहे जाते हैं, आपको यहाँ सम्मानित किया गया है उत्तम शुगर मिल में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, हर एक जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ किसान बहुत खुश है, और जहाँ किसान खुश होते हैं तो मेरे को एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से आता हूँ और मेरे को दूरी बढ़ाते हैं, एक सीमा तक दूरी बढ़ाने आपको जरूरी है। हम लोग कितने साल से आपको बता रहे हैं दूरी बढ़ाओ, बहुत किसानों ने दूरी बढ़ा ली, एक एक किसान तो 7-8 फीट तक भी चले गए, 10-10 फीट तक भी उन्होंने प्रयोग कर लिए, मगर आपकी जो जमीन है उसको देखते हुए हमें दूरी बढ़ानी है, वो ओनली जैसे आपकी सैंडी सॉइल है तो 3.5 से 4 फीट तक जाना है आपको, ठीक है, उसके आगे आपको जाना नहीं है, क्योंकि आपकी मिट्टी चढ़ भी जाती है फिर बाद में वो धीरे धीरे फिसलना शुरू हो जाती है, तो 4.5 फीट या ज्यादा से ज्यादा 5.5 फीट तक, जहाँ आपकी सैंडी लोम सॉइल है, जहाँ थोड़ी चिकनी सॉइल है, वहाँ आप 5.5 फीट तक जा सकते हैं। उसके ऊपर आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गन्ना गिरने की शिकायतें ज्यादा रहेगी, गन्ना गिर जाता है जिसमें आपका भी फायदा नहीं रहता और फैक्ट्री का भी फायदा नहीं होता, उसको बाद में जड़े आ जाती है, उसका वजन कम हो जाता है, इसलिए आपको दूरी मेंटेन करने के लिए उतनी ही 5.5 फीट कम से कम आप जाए। उसके अभी तक बहुत सारे किसान फिर पहले वाले ही, अभी तक मैंने वो ही देखा है, बरकतपुर में बहुत कम है मगर अभी भी वो 2.5-3 फीट के ऊपर ही बुआई कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा उतना उसका फायदा रहेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर पानी बनता है, बराबर है ना, तो हमारे पास सौभाग्य से पानी बहुत है, ये पानी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मगर उसको भी करते समय हम लोग बहुत अच्छी तरह करें, क्योंकि पहले किसान भाई पट्टा मारते थे और एक बार बुवाई कर देते थे तो पट्टे की वजह से, पट्टा मारने की वजह से अंदर नमी बनी रहती थी, बराबर है ना, उसमें आपके पानी की बचत भी बहुत सारी होती थी, मगर आज अभी हम लोग जो लाइन और फरोज में आपके मुंडा और उसमें हम लोग बना रहे हैं, जो गन्ना बुवाई कर रहे हैं उसमें आपको पानी की लागत बहुत लगती है, तो पानी कम से कम जितना जरूरत है उतना ही डाले। जैसे हम लोग जो आदमी तैरना नहीं जानता और नदी में चला गया, उसके मुंह में और नाक में पूरा पानी चले जाते हैं, उस प्रकार ही हम लोग जब ज्यादा गन्ने को पानी देते हैं तो जो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं उधर आपके फसल की जड़ें रहती हैं, वो उधर उनको सांस लेने को नहीं आता, तो कम पानी में आपका गन्ना कैसे आए, जितना कम पानी देंगे, जितना जरूरत है उतना ही पानी देंगे, तो आपकी गन्ना बढ़ने का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट चलेगा। सामने देखिए, जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करें बेड़ा से। नीरज, आपने बहुत अच्छा कहा कि हम सभी लोग यहाँ डॉक्टर साहब को सुनने के लिए आए हैं और सबके मन में उत्सुकता है, फिर भी आदरणीय मंच, आप सभी को नमस्कार। ये कह रहे थे दो शब्द कहना, तो दो शब्द कहने के लिए इतनी दूर नहीं आया हूँ, थोड़ा तो टाइम लूंगा। कोयम्बटूर में भी मैंने 4 साल काम किया, वहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है यदि उत्तरी भारत के कंपैरिजन में देखे तो।
तो वहां का सारा जो मैंने काम किया 4 साल वो, और जो करनाल क्षेत्र के अंदर पर मैंने काम किया, तो उसका सब स्टडी करने के बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला, निर्णय होगा नहीं मिली शहीद के परिवार को कोई सुविधा, सब हवा हवा। जी हाँ, पुलवामा अटैक में शहीद हुए मेजा के टुड़ीहार गांव के महेश यादव की शहादत को 1 वर्ष बीतने को है। क्षेत्रीय विधायक नीलम कवारिया ने तो शहीद के परिजनों से किया वादा बखूबी निभाया, लेकिन जिला प्रशासन ने वादा खिलाफ ही किया। परिजनों का कहना है कि समय रहते वादा पूरा कर नहीं होता तो मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक में मेजा के लाल महेश यादव शहीद हो गए थे। शहादत के पश्चात सूबे के निवर्तमान मुखिया अखिलेश यादव, इलाकाई विधायक नीलम उदय भान कवारिया सहित जिले के आलाधिकारी शहीद के पृथक घर पहुंच वादों का बौछार कर दिया था। समय बीता, वादे वादे ही बनकर रहे। मेजा विधायक ने शहीद के बच्चों को 1 वर्ष तक अपने खर्चे से शिक्षा दिलाया। दोनों बच्चों के नाम 1,00,000 रुपए की FD, हैंडपंप, सौर ऊर्जा, ट्रांसफार्मर देने का वादा 100% निभाया। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा शहीद के दरवाजे तक खाली संपर्क मार्ग आवास, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने की प्रक्रिया व स्मारक स्थल बनवाने में असफल रहा। प्रयागराज से हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश की रिपोर्ट। एक भी इनको सुविधा नहीं मिला है, कुछ सुविधाएं थोड़ा बहुत मिली हुई है। न भाई को नौकरी मिला हुआ है, न इनकी वाइफ को मिला गया है। सही उसमें आप गए डिपार्टमेंट की तरफ से जितना मिल रहा था पूरा दिया गया है, और भविष्य में भी जो मिलनी सुविधा है अपना स्कीम के तहत वो दी जाएंगे। और हमेशा हम लोग तत्पर है, डिपार्टमेंट हमेशा फ्रंट फुट पर काम करता है, और कोई भी हम कोशिश करते हैं मार्केट फैमिली से किसी तरह का दिक्कत नहीं। पिछले वर्ष सारे शहीद वाले दिन भी ऐसा बोला गया था, सांसद जी भी आई थी, रीता बहुड़ा जो थी पूर्व कैबिनेट मंत्री जो थी, इसमें वर्तमान में सांसद हैं, और ये सिद्धार्थनाथ सिंह भी कैबिनेट मंत्री हैं जो आए थे, उन्होंने भी ऐसे किया। ये हवा हवाई पे शहीद लोगों के साथ ऐसे हो रहा है या होगा या नहीं, ये हवा हवाई पे ही चलेगा। देखिए लोकल जो लीडर्स हैं वो क्या घोषणा कर जाते हैं और कितना ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करते हैं वो आप लोग खुद समझ सकते हैं। बाकी के जो UP गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन जो हमारे डिपार्टमेंट जो जारी करते हैं जी घोषणा के तहत, तो हम प्रयास करेंगे कि वो चीज़ मिले। हम अपने डिपार्टमेंट से इतना प्रयास होगा, वो देख घुमाएंगे उनको। बाकी लोकल लीडर ने क्या कहा, यहाँ क्या घोषणा है कि वो लोकल लिखित तो हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है उसका, तो उसमें हम प्रयास करने में असमर्थ हो जाते हैं। जी जी, इस समय हम हैं शहीद के पिता महेश कुमार यादव जी के पास जी, इनसे हम पूछते हैं कि पिताजी से क्या क्या आपको सुविधाएँ मिली थी या नहीं। पिछली बार बोला वो जो है केंद्र से हमारी सुविधा पूरा मिला है हमको, राज्य सरकार जो भी वादा किया था, जो भी घोषित किए थे, जो भी नेता भी आए थे कि हम ये करवा देंगे, वो घोषित करवा देंगे, शहीद करवा देंगे, शहीद करेंगे, भाई है भाई को भाई की नौकरी मिल जाएगी। और रीता भगना ने बोली थी कि हम आपको स्कूल दिलवा देंगे बनवा करके, हम अपने पैसे से बनवा जी, केंद्र से मिला है, राज्य के तरफ से हवा हवाई हुआ है जी, हवा हवाई नहीं मिला राज्य की तरफ से, हमको कुछ भी नहीं हुआ। जो भी नेता भी आए थे हवा हवाई मार के चले गए, आज तक हमारे घर पे कोई नहीं आया। यहाँ तक कि मैं रीता भगना जोशी को कह बोलूँगा कि हमारे घर पे जब से वही 16 तारीख के अलावा हमारे घर पे 17 तारीख तक कभी नहीं आई, आज तक नहीं आई। अगर वो आज सुन रहा हूँ कि वो आ रही है तो मैं उनसे यही पूछूंगा कि इतना दिन मैडम आपने रास्ता भूल गए थे, रास्ता याद जी। शहीद के पिताजी का कहना है कि ये केंद्र के तरफ से मिला है, राज्य के तरफ से नहीं मिला है, खाली नेता लोग आते हैं हवा हवाई पे ही करके जा रहे हैं, ये शहीद के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के ध्यान में आकर्षण करना चाहता हूँ माने योगी मुख्यमंत्री जी से कि सैनिकों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। जी हां, पिछले वर्ष हुए पुलवामा हमले में शहीद 44 जवानों को हरीश चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ परिवार की ओर से महाविद्यालय के मुख्य द्वार से पैदल मार्च निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए मैदागिन चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह रैली नागेश्वर प्रसाद चौरसिया, वर्तमान अध्यक्ष हरीश चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाली गई। वाराणसी से हमारे संवाददाता अभी नौ वर्मा की रिपोर्ट। परिचय बताइए। जी, मेरा नाम नागेश्वर प्रसाद चौरसिया है, हरीश चंद्र महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष हूँ।
आज कैसा कार्यक्रम हुआ, किस प्रकार की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए थे आप? जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि पिछले साल इसी समय और आज ही के दिन पाकिस्तान द्वारा जो गंदी हरकत की गई थी, पुलवामा अटैक किया गया था जिसमें हमारे 40 से भी ज़्यादा जवान शहीद हुए थे, और इस प्रकार उनके उनके उनकी बॉडी तक नहीं मिली थी, पूरे सब चिथड़े उड़ गए थे, जो कि सबसे निंदनीय कार्य था, सबसे गिरा हुआ कार्य था, वो पाकिस्तान द्वारा किया गया था, जिसका हम लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन उसके साथ ही आज हम अपने वीर जवानों को याद कर कर उनको नमन करते उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। आपके हिसाब से सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी शहीद जवानों के लिए? हमारे हिसाब से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिस प्रकार हमारे देश के युवा वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए आज के दिन वैलेंटाइन डे 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे को करते हैं, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर है, हम लोग का ये कल्चर नहीं है। रहा बात पिछले साल जो पुलवामा अटैक में हमारे वीर जवानों के साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ जो पीठ पीछे एक तरह से हम कह सकते हैं उनके पीठ पीछे वार हुआ था, उसके प्रति हम लोगों को निंदा करनी चाहिए और हम लोगों को एकजुट होकर एक आवाज़ उठानी चाहिए ताकि फिर कभी भविष्य में कोई ऐसा कार्य न कर सके। मेरा नाम पवन कुमार यादव है, मैं छात्र संघ का सन 2017 में महामंत्री रह चुका हूँ। आज जहाँ सर्वस्व भारत वैलेंटाइन डे मना रहा है, युवाओं में वैलेंटाइन डे का क्रेज देखने को मिलता है, साथ ही आज ही के दिन हमारे शहीद जवान की श्रद्धांजलि भी है, तो आप किस प्रकार से इसको देखते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी शहीदों के लिए? सर्वप्रथम तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, उन परिवारों के लिए सांत्वना प्रकट करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे जो हमारे देश के वीर जवान आज ही के दिन शहीद हो गए, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनके परिवार को ऐसे ही हिम्मत और ताकत दे ताकि उनका परिवार इसी तरह आगे बढ़ता रहे, जैसा कि हमारे बनारस के भी दो जवान उसमें शहीद हुए थे, एक रमेश यादव और अवधेश यादव जी, जो आज न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चला कि उनके परिवार वालों को अभी भी तक वो सुविधा नहीं दी गई है जिनके लिए उनसे सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने, हमारे देश की केंद्र सरकार ने वादा किया था, यहाँ तक कि उनसे ये भी वादा किया था कि उनके नाम पर स्मृति चिन्ह लगेगा, उनकी मूर्तियाँ लगेंगी, गांव का नाम, रोड का नाम रखा जाएगा, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी सुविधा, ऐसा कोई भी सम्मान उनके नाम से अभी तक नहीं स्थापित किया गया। तो सर्वप्रथम मेरी तो सरकार से और छात्र संघ परिवार की ओर से यही निवेदन है कि सर्वप्रथम जो हमारे वीर जवान 144 जवान 40 जवान जो भी थे शहीद हुए, कम से कम उनके साथ जो वादा किया जाता है, देश की जनता के साथ जो वादा करते हैं, वो खिलाफत करते हैं, वो चलिए वो अलग बात है, वो आपका जुमला हो सकता है, लेकिन कम से कम जो देश के प्रति अपना जान न्यौछावर कर दे, अपनी माँ बाप अपने परिवार को भूल जाए, कम से कम उसके साथ जो आप वादा करें उसको पूरा करना ना भूलें। आपको पता होगा विशाल पांडे जी हुकुलगंज के थे, एयर स्ट्राइक में शहीद हो गए थे, उनके पिताजी ने सरकार को एक तरह से चेतावनी दी है, बोले कि अगर मेरे पुत्र की शहादत पे जो भी वादा हमारे परिवार के साथ किया गया अगर उसको पूरा नहीं किया जाएगा तो हम अनशन करेंगे। तो बड़ी विडंबना वाली बात है, बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में किसी परिवार का नौजवान बेटा, कोई जवान शहीद हो जाता है, हम बस मोमबत्तियाँ जला के शहादत मना के शांत हो जाते हैं, लेकिन सरकारें वादा करती हैं, मीडिया में जब तक बातें चलती रहती हैं सरकार एक्टिव रहती है, मीडिया में बात ख़त्म सरकार खामोश हो जाती है। बताइए, सरकार के अलावा भी देखा जाता है कि विपक्ष के कुछ ऐसे भी नेता थे जो उस एयर स्ट्राइक का या पुलवामा अटैक के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए नजर आए थे, इनके ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया है? कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती है कि कुछ राजनीतियां, जैसे कि बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, हमारे देश में जब से देश की आज़ादी हुई है, जब से सेना का गठन हुआ है, हमारे अनेकों अनगिनत जवानों ने शौर्य शहादत दी, अनेकों विजय प्राप्त किए हैं, लेकिन कभी सेना के पराक्रम पर राजनीति नहीं हुई है, और वर्तमान की सरकारें जो हैं बड़ी भर्सना की बात है कि वो सेना के पराक्रम पर राजनीति करती हैं कि मैंने इनको मरवाया, क्या उनके भी परिवार का कोई शहीद हुआ था या उनके भी कोई रिश्तेदार का शहीद हुआ था? मैं हर एक सांसद विधायक के परिवारजनों से चाहता हूं कि हर एक सांसद विधायक के परिवार का भी एक एक सदस्य सेना में जाए और बॉर्डर पे उसी भांति लड़े जैसे किसान का परिवार सेना में जाके बॉर्डर पे लड़ता है, शहीद होता है, तब वो इस दुख को, दर्द को समझ पाएंगे कि किसी बेटे को खोने का क्या दर्द होता है। मीडिया में जाके उनके परिवार जाके फ़ोटो खिंचवाने से बस बात नहीं होती, और इसीलिए हम चाहते हैं कि पुलवामा में जो भी अटैक हुआ आज तक उनके दोषियों को नहीं पकड़ा गया, और ना ये बात आज तक पता चल सकी कि नहीं कहां से कौन आया था, क्या हुआ, कैसे हुआ, आज तक कोई जानकारी नहीं हुई। हमारे पास इतनी है एजेंसियां हैं, इतनी राव है, तमाम खुफिया एजेंसियां, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना की जानकारी आज तक हमारे देश के सामने नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनेता का ही हाथ है इसमें, जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, सत्ता के लालच के लिए इतने ज़्यादा जवानों की शहादत को बलिदान दे दिया जाता है।
बोलेरो और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर। जी हां, राष्ट्रीय उच्च पथ 28 स्थान पोखर भिंडा ग्राम के सामने बोलेरो और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन शराब की तस्करी रोकने का नाम ही नहीं ले रही है। उपस्थित लोगों के कथनानुसार तेज रफ्तार से यूपी के तरफ से आ रही बोलेरो मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों में एक की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई, दूसरे को गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जिसकी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। स्थल निरीक्षक से प्रथम दृष्टि से शराब तस्करी में बोलेरो लिप्त समझ में आता है। स्थल पर चारों तरफ शराब की एसआई उमेश सिंह से पूछा तो इस विषय में बताने से डरे, हमारे रिकॉर्डर से दूर भाग गए, बोलेरो का चालक फरार बताया गया। स्थल पर उपस्थित एसआई उमाशंकर यादव ने बताया कि शराब मोटरसाइकिल सवार के पास थी, इसीलिए रोड पर शराब की सीसी पड़ी हुई है। मोटरसाइकिल सवार मेरवा पांडे के चुन्नू पांडे हैं, जिनकी मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। गोपालगंज से हमारे संवाददाता राहुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अंदर चल गए, क्या काम किया, कैसे हादसा हुआ ये? अरे कुहासा में बाइक से आ रहे थे, हो गया हादसा। हादसा में क्या क्या हुआ है, कौन से लोग सही हैं कि मरे हैं? एक लोग तो एडमिट है गोरखपुर, एक आदमी तो स्पॉट डेथ कर गए हैं। मोटरसाइकिल वाले? हाँ मोटरसाइकिल वाले। टकराव मोटरसाइकिल और बोलेरो से हुआ? हाँ बोलेरो से। तो इसमें क्या लगता है आपको? तेजी से बोलेरो था, मार दिया टक्कर, लखनऊ से। क्या बात ये मालूम है कि बोलेरो कहाँ का है? नहीं पता। उत्तर प्रदेश की गाड़ी? उत्तर प्रदेश का नंबर है। ये मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल मैरवा गांव है, चुनू पांडे नाम है उसका। चुनू पांडे जी, जी उनका एयरपोर्ट हो गया। आप सर? जी सर, वही एक हादसे का चलते ये एक्सीडेंट हो गया, जिसमें चुन्नू पांडे ध्यान कर गए और एक गोपालगंज लिए गए थे, लेकिन उनको रेफर कर दिया गया गोरखपुर। बोलेरो आपको क्या लगता है, बोलेरो में कुछ था क्या? बोलेरो में था, आदमी था उसमें, लेकिन एक भी आदमी का पता नहीं है। सारे आदमी भाग चुके हैं कुहासे का फायदा उठा करके, एक भी आदमी यहाँ पर मिले नहीं। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि बोलेरो में ही होगा सर? बोलेरो में था, बोलेरो में था। जी जी, बोलेरो में था। ये शराब का बोतल जो नीचे गिरा है वो बोलेरो में था, एक्सीडेंट के समय में नीचे गिरा है। जो दरवाज़ा खुला है ना सर, उसमें से लगता है कि खाली जो दारू का था गिरा हुआ है और यहाँ से घर। आप सर कुछ कहेंगे इसके बारे में? कहना क्या है, मान ली बोलेरो कुहा का टाइम है, दारू लगा जा रहा होगा, और जब वो एक्सीडेंट हुआ है, उन लोग को बहुत बिजोड़ एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पे जिस तरह बोलेरो और मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो जाना बहुत बड़ी, यह बता रही है कि बोलेरो बहुत तेज होगा, उसमें एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो माल है वो दारू से दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा बाहर गिरा हुआ है, लोग भागने के चक्कर में कुहा का फायदा उठाकर लोग भी उसको लूटे होंगे। मतलब दारू के चक्कर में ये लोग तेज फास्ट बोलेरो चला रहे थे, इसीलिए एक्सीडेंट मोटरसाइकिल वाले को कर दिया, इसीलिए एक्सपोर्टेड हो गया। बात यही है ना? ये था अभी के कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।